काफी नजदीक और सभी दर्शक उनका उत्साहवर्धन करते हुए अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पौधों की प्रतियोगिता यहाँ पर आती है और पहले नंबर पर साइकिल सवार चल रहे हैं। अच्छी बढ़त ले रखी है उन्होंने और आराम से अपनी एनर्जी को बचा के चला रहे हैं और पहला राउंड यहाँ पर कंप्लीट किया है। और दूसरे राउंड को पार करने के काफी करीब पांचों के पांचों ही खिलाड़ियों के द्वारा भरसक प्रयास यहां पर। और यहां पर हम देख रहे हैं पहले नंबर पर बहुत अच्छा प्रयास यहां पर, दूसरे राउंड के काफी नजदीक है यहां पर। और यहां पर देख रहे हैं प्रतियोगी के द्वारा आसानी से दूसरा राउंड पार किया गया, यहाँ पर काफी अच्छी लीड बना रखी है दूसरे राउंड से ही और तीसरा राउंड प्रारंभ कर दिया है, जबकि बाकी प्रतियोगियों के द्वारा अभी तक दूसरा राउंड पूरा भी नहीं किया जा सका। और यहाँ पर पीछे से धर्मेंद्र आते हुए और मनोज हर बार अच्छी लीड बनाकर कंप्लीट करते हुए यहाँ पर, और कोई भी आसपास नहीं है उनके, चारों ही प्रतियोगी काफी पीछे और बड़ी ही आसानी से मनोज अहरवाल ने इस रेस को पूरा किया। दीपक पहले राउंड पर आ रहे हैं और आसानी से पहला राउंड पार किया दीपक ने, वही पीछे राजेश हैं और आसानी से पहला राउंड पार किया राजेश ने और उसके पीछे सोनू और पीछे है जल्दी और पहले राउंड से ही बढ़त बना रखी है दीपक कुशवाहा के द्वारा। रविंद्र काफी पीछे भटक प्रयास करते हैं यहाँ पर जीतने के लिए रविंद्र ने और दूसरे राउंड का प्रारंभ यहाँ पर और यहाँ पर दूसरे राउंड के नजदीक आते हुए पांचवें प्रतियोगी देखा जा रहा है सब प्रयास करते हुए यहाँ पर पांचों के पांचों प्रतियोगियों के द्वारा खूबसूरत प्रयास यहाँ पर। और ये काफी नजदीक फाइनल लाइन के आते हुए राज्य कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए और इसी के साथ बहुत आसानी से उन्होंने इस रेस को जीत लिया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे फाइनलिस्ट का। काफी अच्छी लीड यहाँ पर आने देने के लिए प्रयोग रखी है दीपक ने और बाकी के प्रतियोगी उनसे काफी पीछे और निश्चित तौर पर एनसीसी प्रतियोगियों के लिए यहाँ पर प्रयास करना बहुत जरूरी है कि निश्चित तौर पर मैच जीते और बाकी की प्रतियोगी अपना दूसरा राउंड पूरे करते हुए और वहीं दीपक तीसरे राउंड के लिए भी नव गाड़ी दिल्ली निकाल चुके हैं। तौर पर अच्छा प्रयास यहाँ पर प्रथम नंबर के लिए भरपूर प्रयास यहाँ पर रागिनी पीछे हो चुकी है और प्रिंसी प्रिंसी प्रयास प्रिंसी प्रयास काफी अच्छी लीड बनाकर पहले राउंड में प्रिंसी और बाकी की प्रतियोगी और प्रिंसी
कर्तव्य ध्वनि से आप छात्राओं का उत्साह वर्धन करते रहे सभी लोग, बहुत अच्छा। और खूबसूरत प्रयास है, प्रिंस जी का पहला राउंड पार कर लिया है और दूसरे राउंड के लिए निकल चुके हैं। और रागनी काफी पीछे जो कि लीड बनाए हुए थी और लगभग आधे घेरे का अंदर ले चुकी है यहाँ पर। पर पहले फाइनलिस्ट का प्रिंस जी व्यास और दूसरे फाइनलिस्ट जो भी है यहाँ पर सपना दूसरा राउंड पूरा करते हुए और निश्चित तौर पर बड़ी आसानी से उन्होंने इसको जीता है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सपना का। और रेस प्रारंभ यहाँ पर और पांचों ही प्रतियोगी प्रयास करते हुए खूबसूरत प्रयास यहाँ पर। बहुत बढ़िया यहाँ पर शुरुआत से ही देखने को मिलता है भाक्षी वर्मा। संजना भास्कर पहले नंबर पर अपनी लीड को बरकरार रखा है और निश्चित तौर पर यहाँ पे पहला राउंड पास कर लिया बड़ी आसानी से संजना ने। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर शिवानी और पीछे है रश्मि और आरती और काफी साधारण प्रयास दिखाई दे रहा है बाकी के दो कंपटीटर से। और निश्चित तौर पर देखने में लग रहा है कि जैसे कि दो ही कंपटीटर के बीच मैच बचा हो। काफी कड़ी रेस यहाँ पर रश्मि और सपना के बीच देखने को मिल रही है और देखना होगा कौन जीतेगा। रश्मि प्रयास कर रही है, सपना काफी पीछे रह गई है और निश्चित तौर पर रश्मि ने यह मैच जीत लिया है। और इस तरह से क्या कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की तरफ से राजेश इस रेस को जीतेंगे। और निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पांच वर्ष की रेस को राजस्थान के द्वारा जीत लिया गया खूबसूरत तरीके से।